हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रजापति। मैं आप सभी का स्वागत है। चलिए करते हैं कल के लिए एनालिसिस। स्टॉक कौन सा कल चलने वाला है, और उससे पहले हम ये रिव्यू करेंगे जो कल मैंने स्टॉक दिया था उसमें से कौन सा स्टॉक परफॉर्मेंस किया है और कौन सा नहीं किया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और कल मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में जैसे एनालिसिस की थी उस तरीके से काम किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना है आपका। तो कल मैंने दिया था SRF, पहला स्टॉक दिया था आपको जो बेरिश साइड में ही दिया था। ये मैंने ये दिया था SRF बिलो 2040। तो 2040 के नीचे अच्छा खासा निकला है। 2040 हमारा टारगेट 2000 तक का भी इसने दिया है। 40 पॉइंट इसने यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव किया है। पुट दिया था जो 105 हाई मारा इसने, मैंने इसमें देखा है। आप देखा नहीं देखा है तो आप देख लेना, और कल का वीडियो मैंने नहीं देखा है तो आप देखना। इसका मैंने पुट भी दिया था 90 से बाय करना है, और 105 का इसने हाई भी मार दिया। इसमें भी किया होगा तो 4-5 हज़ार रुपये इसमें प्रॉफिट हुआ रहेगा आपका। और ये अपना हिट गया, उसके बाद में अगर यहाँ पे भी नहीं लिया तो यहाँ पे भी लिया है आपने सेकंड टाइम। यहाँ पे वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस ने ये लेवल हमारा जो टच किया है वहाँ से वापस एक 2000 रुपये तक का मूव दिया, बोलो 40 पॉइंट का वापस मूव दिया है डाउन साइड की तरफ। तो अगर वापस नहीं लिया है तो यहाँ से आपने लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। सेकेंड टारगेट दिया, सेकेंड स्टॉक दिया था हवेल्स करके, हवेल्स इंडिया। इसमें मैंने आपको बोला था बुलिश ही बोला था, आप वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना और उसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने इसको बाइंग लेवल दिया था अबो 116 पाई का, अबो 116 पाई का हमारा कैंडल क्लोज हुआ। वहाँ से हमारा टारगेट था 118 पाई का, यहाँ हमारा 118 पाई का हमारा ये फोर्थ टारगेट डन होता है। उसके बाद में आपने होल्ड किया है, कैसे मैंने होल्ड करने का आपको बताया हुआ है कि अगर ट्रेल एसएल करना है तो कैसे। तो अगर आपने ट्रेल किया होगा तो यहाँ पे आपका एसएल लग गया होगा, यहाँ पे आके आपका एसएल लग गया, उसके बाद में ऊपर गया वापस, यहाँ पे एसएल आपका हिट नहीं हुआ, वापस यहाँ पे स्विंग बनाया मैंने जहाँ पे बुलाया है वहाँ, यहाँ पे आपका एसएल लग गया, वापस वापस ऊपर गया, वापस आपका नीचे आके ये ऊपर निकला, यहाँ पे आपका एसएल लग होना चाहिए। और ये आप प्रॉफिट अच्छा खासा इसमें 40 पॉइंट आपको मिला होगा अगर आपने किया है तो। और डाउन साइड का मैंने इसमें सिनेरियो सिर्फ बोला था कि अगर जाता है तो लेना है, वरना डाउन साइड का मुझे नहीं लगता है। पूरा 1 डे की टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये बुलिश स्टॉक है, मैंने कल ही आपको बोला था कि ये बुलिश स्टॉक है, 1 डे की टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा मोमेंट है ऊपर की साइड में हो सकता है। और थर्ड स्टॉक दिया था मैंने टाटा स्टील, टाटा स्टील का मैंने मैं बेरिश था, टाटा स्टील में मैं बेरिश था। तो मैंने ये आपको दिया था 855 के नीचे, 855 के नीचे हमको सेल करना था। मेरा टारगेट था 847 का मेरा टारगेट था, बट इसने 838 का टारगेट दे दिया है। मे बी 23 पॉइंट इसने दे दिया, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर यहाँ पे नहीं लिया है तो यहाँ पे लिया होगा तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। 844 तक हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है, थर्ड फोर्थ टारगेट हमारा अचीव हो गया था, इसमें आपका अच्छा खासा मुनाफा हुआ रहेगा। कल के लिए मैं स्टॉक देने वाला हूँ टाइटन करके है पहला स्टॉक, टाइटन कंपनी है। टाइटन में मैंने आपको लेवल मार्क नहीं किए, बट मैं सिर्फ इसमें बाइंग का लेवल ही बताऊंगा। अगर ये 20 आप नहीं है तो आप लिख के रखिए, 2037 के ऊपर निकलता है तो ही आपको बाय करना है। 2730 का, 2737 का आपको, 2037 का आपका बाइंग लेवल रहेगा। एसएल थोड़ा इसमें बड़ा बन रहा है, एसएल 2020 का आप लगा देना है एसएल। और हमारा पहला टारगेट रहेगा 2049 का, हमारा पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा 2060 का रहेगा, और थर्ड टारगेट 2070 और 2080 तक का भी हमारा टारगेट हो सकता है। इसमें डाउन साइड का मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बुलिश लगा है। तो कल देखते हैं, अगर ये ऊपर जाता है तो ये हम हमारे लेवल से ऊपर जाता है तो हम लेंगे, और 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए तो ही हम लेंगे। सेकेंड स्टॉक है हिंडालको, हिंडालको में आप देखने जाएंगे तो एक ये ना बेरी से ना बुरी से बीच में अटका हुआ है, तो
तो देखते हैं, मैंने दोनों साइड का लेवल इसमें निकाला है, जहाँ पे हमारा ट्रिगर होगा वहाँ पे हम एक मोमेंटम ऊपर के लिए जा सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, वैसे इतना बुलिश तो नहीं मानूंगा, बट है थोड़ा बहुत बुलिश, बुल्स आया है इसमें शॉक में। तो हमारा ट्रिगर होता है लेवल 345 का ऊपर अगर निकलता है, ये लेवल अगर 345 का ऊपर निकलता है तो हमारा ये एसएल हमको रखना है। 342 का हमारा एसएल रहेगा और हमारा टारगेट 352 और 355 तक का भी हमारा टारगेट हो सकता है। अगर डाउन साइड में ये आता है तो डाउन साइड में हमको बिलो 339 इसके नीचे, अगर ये अगर डाउन साइड में आता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना, 339 के नीचे हमको सेल करना है। इसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक लगाना है, 343 का स्टॉप लॉस लगाना है। हमारा टारगेट, पहला टारगेट 335, 333 और 330 तक का, हमारा यहाँ तक का टारगेट अचीव हो सकता है। ये कल के लिए है स्टॉक। तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यूनिलीवर करके है तीसरा स्टॉक। इसमें मैं पूरा ही बुलिश हूँ, क्योंकि आप वन डे की टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये एक दो दिन से कंटिन्यू स्टॉक ऊपर जा रहा है। कल एक एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, अगर रिट्रेसमेंट आता है गाइस तो आप एक होल्ड भी कर सकते हो इसको। रिट्रेसमेंट यहाँ तक आता है तो वेल एंड गुड, 2026। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है तो ये आपको टारगेट 2635 तक का आपका टारगेट निकल जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप होल्ड करके रख सकते हो, या फिर आप एक रिट्रेसमेंट करने रिट्रेसमेंट का वेट करें यहाँ तक का 2400 का, तो आपको उसके बाद में एक अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा। मैंने इसमें एक बाइंग का लेवल दिया है, सेल का लेवल अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगा, बट मैंने बाइंग का लेवल अगर 2510 के ऊपर निकलता है तो 2495 का हमारा एसएल रहेगा। 2520, 2530, 2540, 2550 तक हमारा टारगेट ऊपर का हो सकता है, और 2600 तक का भी हमारा टारगेट हो सकता है। वो एक या दो दिन में आ जाएगा, बट उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रीटेस्ट करने के लिए आएगा नीचे, उसके बाद में ये अगर ऊपर साइड में जाना होगा तो यहाँ से एक ब्लास्ट करेगा। तो ये तो हो गया ऊपर का लेवल। हम डाउन साइड की हम बात करेंगे तो 2468 के नीचे हमको इसको सेल कर देना है। 2468 के नीचे हम इसको सेल करेंगे। वैसे सेल का संदेश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक रीटेस्ट करने आते हैं तो कहाँ तक आएगा वो हमको प्राइस एक्शन से देखना पड़ता है कि कहाँ तक आ सकता है, बट तो भी मैं आपको एक ये दे रहा हूँ लेवल। 2468 के नीचे आता है तो हम 2400 रुपये तक, 2420 रुपये तक का हमारा टारगेट हो सकता है डाउन साइड में, क्योंकि वन अगर ये लेवल निकालेगा तो वन साइड मोमेंटम यहाँ तक आएगा, 2420 2420 तक एक डाउन साइड आएगा, उसके बाद में ये वापस अप साइड की मोमेंटम कर सकता है। तो डाउन साइड में मैं इतना नहीं रहूँगा, प्रेफर नहीं करूँगा आपको, क्योंकि एक रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल करके वापस ऊपर गई, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिटेस्ट नहीं करेगा और निकल जाएगा। तो एक अपसाइड का मोमेंटम होगा तो आपके लिए अच्छा है। अगर डाउन साइड में ये लेवल अगर आता है तो आप स्टॉक एसएल अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप बैठ सकते हो, थोड़ा रिस्क लेके। चलिए, फोर्थ स्टॉक है दालमिया भारत करके। दालमिया भारत आप वन डे की टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आज अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनाई है इसने। वन डे की टाइम फ्रेम में अच्छी खासी पुलिस कैंडल बनाई है, और आप देखेंगे तो ये अपना एक रेजिस्टेंट था अच्छा, तो आज ने ब्रेक कर दिया है और ऊपर की तरफ निकल गया है। तो एक इसमें मैं दोनों साइड का आपको लेवल दे रहा हूँ, आपको बाई करना है 1388 के ऊपर, बाई करना है 1388 के ऊपर, बाई करना है। 1380 का हमारा एसएल रहेगा, 1390 का पहला टारगेट, 1395 का सेकेंड, 1400 का थर्ड, 1410 का सेकेंड और 1420 का हमारा फिफ्थ टारगेट भी हो सकता है। डाउन साइड में हम देखेंगे तो 1360 के, क्योंकि डाउन साइड के इसमें लेवल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंट पे खड़ा है, रेजिस्टेंट पे खड़ा है ऑलरेडी, तो वहाँ से एक डाउन इससे नीचे आएगा तो एक डाउन साइड का फॉल वापस यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे एक रीटेस्ट करेगा, उसके बाद में ये अपसाइड का मोमेंटम वापस दिखा सकता है, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंट के ऊपर खड़ा है। अगर ये डाउन साइड में यहाँ पे आ गया तो और नीचे आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद में एक अप साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, इसलिए मैं डाउन साइड का भी दे रहा हूँ। अगर 3060 के नीचे अगर आता है
तो 3565 का हम ऐसा लगेंगे, 3555, सॉरी 3515 क्या हो रहा है, बोलते बोलते किधर ही जा रहा हूँ, 1355, सॉरी गाइस, 1355 के नीचे हमारा पहला टारगेट रहेगा, 1350 का सेकंड, 1345 और 1340 का हमारा फोर्थ टारगेट भी हो सकता है यहाँ तक का। उसके बाद में ये अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, तो देखते हैं यहाँ तक एक रीटेस्ट आना चाहिए, अगर आता है तो वेल एंड गुड है, वरना यहाँ से निकलता है तो वेल एंड गुड है हमारे, तो क्या हमको तो हमारा टिकर होना चाहिए बस लेवल, जैसे टिकर हो गया हमारे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, आज इतना ही, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, और थैंक यू, मिलते हैं कल, धन्यवाद।